पता चला कि यहाँ आधा घंटा बाद 3 बजे पता चला कि पेपर नहीं होगा, लेकिन रीजन भी नहीं बता रहे हैं, लिखित रीजन नहीं। 8/12/2023 है जो मैथ सब्जेक्ट का एग्जाम था, क्लास 9 से लेके 12 तक, 9th 10th का एग्जाम था, जो आज नहीं हुआ हम लोगों का। इसके कारण आज इनका एग्जाम जो है कैंसिल किया गया है। आयोग से सूचना प्राप्त होते ही फिर फर्दर कब एग्जाम होगा इनको सूचना दी जाएगी। वक्त की बड़ी खबर सीतामढ़ी से निकल कर आ रही है। जी हाँ, सीतामढ़ी में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ है। परीक्षा के स्थगित होने को लेकर डीवी डुमरा परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी हंगामा किए हैं। कुल 439 परीक्षार्थी बिना परीक्षा दिए वापस लौटे हैं। केंद्र पर हंगामा को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और प्रशासनिक पदाधिकारी केंद्र पर तैनात किया गया। जब 3 बजे परीक्षार्थी को इसकी सूचना दी गई, कई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से परीक्षा में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे थे। जी हां, आपको बता दें कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिना परीक्षा दिए वापस लौटे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी, वो जरा सुने आप लोग। और रीजन ये सुनिए कि यहाँ आने के बाद हम प्रवेश कर लिए, सब कुछ हुआ, पता चला कि यहाँ आधा घंटा बाद 3 बजे पता चला कि पेपर नहीं होगा, लेकिन रीजन भी नहीं बता रहे हैं, लिखित रीजन नहीं। जब गाड़ी में डाल रहे, और बच्चा आया था, बच्चा आया था, पेपर आया था, लेकिन पेपर वापस चला गया, और उसके बाद बता रहे हैं कि पेपर नहीं होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा बिहार पेपर कैंसिल हो, नहीं तो रीजन ये है कि हम लोग रेस से बाहर हो जाएंगे। जब दोबारा एग्जाम इस सेंटर का होगा तो पेपर का लेवल टफ हो जाएगा और हम लोग बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए पूरा कैंसिल करें, फिर से एग्जाम लें। इस रीजन के कारण एग्जाम कैंसिल हो रहा है, रीजन कुछ नहीं बता रहे हैं। सीधा बताया है, सीएस साहब बोले कि नहीं, नोटिस में मुंह से बोले हैं, नोटिस में नहीं है, नोटिस में नहीं दिए हैं, लिखित लिखित प्रमाण देना चाहिए ना, नोटिस पर लिखा हुआ है बिना रीजन बताए, लिखित प्रमाण देना चाहिए ना। नहीं नहीं, कुछ भी है, 8/12/2023 है जो मैथ सब्जेक्ट का एग्जाम था, क्लास 9 से लेके 12 तक, 9th 10th का एग्जाम था, जो आज नहीं हुआ हम लोगों का। ये सारे बच्चे जो हैं वो सब मैथ्स के हैं, तो हम चाहते हैं कि एग्जाम फिर से हो, चूंकि अब तक टाइम भी खत्म हो गया, अभी टाइम बज रहा है आपको 4 बज रहा है, 4 बजे एग्जाम अब हो नहीं सकता है, अंधेरा भी होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि आप एग्जाम ले और पूरे बिहार में मैथ सब्जेक्ट है उसको 9th 10th वाला कैंसिल करें। अभी जैसे यहाँ पे NSDAB सेंटर थे, जो पर्याप्त संख्या में जो प्रश्न पत्र था वो किसी कारणवश नहीं पहुँच पाया, जिसके कारण आज इनका एग्जाम जो है कैंसिल किया गया है। आयोग से सूचना प्राप्त होते ही फिर फर्दर कब एग्जाम होगा इनको सूचना दी जाएगी और अगले डेट पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सर, UP से भी कैंडिडेट आया है, तो इस तरीके से कैसे मतलब हुआ ये? अब इसकी हम लोगों को तो अभी यहाँ पर जानकारी नहीं है कि किसकी कहाँ से लैपसेज हुई है, हम लोग को अभी बताया गया कि यहाँ पर एग्ज़ाम की कैंसिल किया जा रहा है, वो जैसी जानकारी मिली। थे सर इसी केंद्र पर 444 थे, आज 439 प्रेजेंट थे। कितना क्वेश्चन है? ठीक है, तो आपने सुना इन अभ्यर्थियों ने क्या कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।